इंदौर शहर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक हो चुकी है। 8 कोरोना मरीजों में ये वेरिएंट मिला है। हालांकि 6 ठीक हो चुके हैं और 2 का इलाज चल रहा है। ये जानकारी इंदौर में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 1.5 महीने में विदेश से इंदौर 3,000 लोग लौटे हैं, जिनमें से 1,000 लोगों की कोरोना जांच की गई है। इन 1,000 में से 26 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और जिनमें से 8 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। इनमें से 6 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं और 2 का फिलहाल इलाज जारी है, जिनमें कोई सिम्टम्स नहीं पाया गया है और इन सभी की जांच अरविंदो में की जा रही है, जिसकी पुष्टि दिल्ली लैब से कराई गई है। और मिश्रा ने यह भी जानकारी दी है कि इन 26 मरीजों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी पूरी हो गई है, सभी स्वस्थ पाए गए हैं। रिकवरी दर अभी 98.6 से ही बनी हुई है, लेकिन मैं आज आपका ध्यान ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले 1.5 माह में लगभग 3,000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1,000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जो काम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। मेरी मान्यता है कि जल्दी वो भी चले जाएंगे और इन सभी 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पूरी कर ली है और अभी सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक पाए गए।